परसों रविवार है और एक सवाल है, पार्टनर तुम्हारा प्लान क्या है? हमारा प्लान तो ये रहा, आपके शहर पहुंच रहा है लल्लन टॉप, जानने यूपी का हाल, और अब आपके पास भी है मौका कि दिखाएं अपना कमाल। कूट कूट कर भरा है अगर आप में कोई हुनर, तो लल्लन टॉप को है उसकी कदर। अपनी कलाकारी के दो सैंपल भेजिए adda.lallantop@gmail.com पर। अगर आपका काम हमें जमा तो आपकी प्रतिभा को मिलेगा मंच। जगह होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड, तारीख 28 नवंबर दिन रविवार, और देखने वाला सारा संसार। मंच होगा लल्लन टॉप अड्डे का, और जगह होगी आपके टैलेंट की। तो आगरा और आसपास के जिले वालों, वैसे दूर के लोग भी आ सकते हैं, कैलेंडर में लाल गोला बना लो 28 नवंबर का। मिलते हैं, गपियाते हैं, खूब मौज कटेगी। गुरु आना जरूर है, हम इंतजार करेंगे और तसल्ली भर बात करेंगे। इश्तेहार यहाँ खत्म होता है। अब चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है। दक्षिण अमरीका के उत्तर में एक देश है कोलंबिया। एस्कोबार वहाँ के ड्रग बिजनेस का राजा था। उसके बारे में बहुत सारे मिथ भी चलते हैं, मसलन ये कि उसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए के नोट जला दिए थे। मसलन ये कि एक समय अमरीका में जाने वाली 80% कोकीन, ये एक किस्म का मादक पदार्थ होता है, मतलब ऐसा मटेरियल जिससे नशा हो जाता है और आदमी तोता बन के उड़ने लगता है दिमाग से। कहते हैं कि 80% कोकीन एस्कोबार के यहाँ से जाती थी। वो सरकारी अफसरों से पूछता था पैसा या गोली। जो अफसर हाथ मिलाता उसे मालामाल कर दिया जाता, जो आनाकानी करता उसका कत्ल कर दिया जाता। फिर एक दिन स्पेशल फोर्सेज ने एस्कोबार को मार गिराया। चर्चा चली कि कोलंबिया का ड्रग्स बिजनेस खत्म हो गया, अब कोई ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये दावे गलत साबित हुए। एक गुरिल्ला लड़ाका उसकी विरासत को संभालने के लिए तैयार था, जिसने हैवानियत के मामले में एस्कोबार को भी पौना कर दिया, जिसे 3 मुल्कों की पुलिस ने मिलकर तलाशा, करोड़ों का इनाम घोषित किया। पकड़ने में 7 बरस लगे, और जब वो पकड़ा गया तो राष्ट्रपति को खुद सामने आकर ऐलान करना पड़ा। आज हम कोलंबिया के ड्रग तस्कर डेरो अंटोनियो उसुगा डेविड उर्फ ओतोनियल की कहानी जानेंगे। ये भी बताएंगे कि ओतोनियल आज के दिन चर्चा में क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। पहले इतिहास की बात। साल 1971 तारीख 15 सितंबर उत्तरी कोलंबिया के एक गरीब किसान परिवार में ओतोनियल का जन्म हुआ। बड़ा हो रहा था तो उसके आसपास लेफ्ट विंग के कई गुरिल्ला संगठन तैयार हो रहे थे। इनमें से एक थी पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी, पॉपुलर लिबरेशन आर्मी, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन को तो ऑलरेडी कई जगह लिबरेट कर दिया गया है, पॉपुलर लिबरेशन आर्मी, EPL शॉर्ट फॉर्म। जब ओतोनियल 18 बरस का हुआ तो उसने इसी EPL की मेंबरशिप ले ली। एक कहावत है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। राम जाने ये कहावत क्यों है, जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं। पर कहावत ये भी है कि अगर इन 2 शेरों ने एक दूसरे की सीमा लांघी तो खून खराबा होगा। उत्तरी कोलंबिया के इस इलाके में कई शेर थे तो टकराव होना लाजमी था, हुआ भी। EPL को एक दूसरे गुरिल्ला संगठन ने पीछे छोड़ दिया। इसका क्या नाम था? इस गुट का नाम था रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, यानी FARC। 1991 आते आते EPL के सदस्य अलग थलग पड़ने लगे, जो बचे FARC ने उनको मारना शुरू कर दिया। पर ओतोनियल, उसका क्या हुआ, वो भी तो EPL में था, वो EPL में भी था और चालाक भी था। उसने नियति को भांप लिया था, इसलिए अपने भाई के साथ साइड बदल ली। लेकिन FARC के साथ भी उसका रिश्ता लंबे वक्त तक चला नहीं। 1995 में जब कोलंबिया की सेना ने राइट विंग के लड़ाकों की मदद से FARC को मिटाने का अभियान चलाया तो ओतोनियल ने फिर से साइड बदल ली। अब वो यूनाइटेड सेल्फ डिफेंसेस फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, यानी AUC का मेंबर बन गया। AUC का दावा था कि हमारे लड़ाकों ने सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाए हैं, पर असल में ये गैंग भी ड्रग्स की तस्करी करता था। इस गैंग के लोग मंत्रियों और जमींदारों के इशारे पर लोगों की हत्या और किडनैपिंग भी किया करते थे। AUC में पैसे का लेन देन देखने वाले आदमी का नाम था डॉन मारियो। ओतोनियल और उसका भाई इसी डॉन मारियो के अंडर में काम करने लगा। कैलेंडर में कुछ साल बदले, 2003 आया। अब AUC ने सरकार के साथ शांति समझौता किया, उसके लड़ाकों ने हथियार डाल दिए। सरकार ने किया वादा कि ग्रुप के लोगों को कम सजा दी जाएगी, अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। लेकिन 2006 में 3 बरस के भीतर सरकार वादे से पलट गई। उसने AUC के टॉप लीडर्स को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इससे AUC के लोग नाराज हो गए
और कई ने फिर से हथियार उठा लिए और अब बनाया एक नया गुट जिसे नाम दिया गया ओराबेनोज। इसको गल्फ कार्टेल के नाम से भी जाना जाता है। डॉन मारियो इसका सरगना बना। ओतोनियल और उसका भाई जियोवानी गैंग में दूसरे नंबर के नेता बने। 2009 में डॉन मारियो गिरफ्तार हो गया और उसके बाद से गल्फ कार्टेल की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों पर आ गई। कुछ वर्षों तक सब सामान्य रहा, मतलब धंधा चलता रहा। फिर हुई एक घटना 2012 में। जियोवानी के महल में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिल गई, उसने पूरी ताकत से धावा बोला, हेलीकॉप्टर से भी घेरेबंदी की जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। पुलिस जियोवानी और ओतोनियल को गिरफ्तार करने आई थी, पर हुआ क्या, उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। मजबूरन पुलिस को भी जवाब देना पड़ा, इसमें जियोवानी मारा गया, लेकिन ओतोनियल उसका कुछ पता ही नहीं चला, जैसे गायब हो गया हो धुएं की तरह। कुछ दिनों तक वो छिपा रहा, फिर शुरू हुआ उसका असली खेल। भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने पूरे इलाके में हिंसा की, पुलिस वालों को और आम लोगों को बेरहमी से मारा। वो अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहता था। जब ये हिंसा बहुत बढ़ गई तो सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा अगामेडॉन। ये कोलंबिया के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट माना जाता है। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए 500 पुलिस वाले लगाए गए थे। ओतोनियल के लिए 1200 लोगों की पुलिस फोर्स लगाई गई, मिलिट्री अलग से सपोर्ट के लिए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ओतोनियल को नहीं पकड़ा जा सका। क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे? क्या उसके छिपने का तरीका अलग था? जी, वो कभी अपने घर में नहीं सोता। जिस इलाके में रहता वहाँ हर एक किसान परिवार को ओतोनियल के लिए अलग से एक कमरा बनवाना होता। वो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करता, पूरे इलाके में प्रशिक्षित कुत्ते छोड़ता, और इंसान तो थे ही वफादारी के लिए। इन वजहों से ऑपरेशन अगामेडॉन बुरी तरह फेल हो गया, सरकार की बदनामी भी हुई। फिर मार्च 2015 में ओतोनियल को पकड़ने का मिशन दोबारा शुरू किया गया। सरकार ने इस बार इनामी राशि भी दोगुनी कर दी और अमेरिका ने पहले से ही एक तगड़ा इनाम घोषित कर रखा था। कितना तगड़ा? 37 करोड़ रुपए मात्र का। कोलंबिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मैनुअल सेंटोस ने साफ लहजे में आदेश दिया, जब तक ओतोनियल पकड़ा नहीं जाता तब तक लौट के ना आना। 7 साल तक दर दर भटकने के बाद फिर कोलंबिया की पुलिस कामयाब हुई। कब? 23 अक्टूबर 2021 को ओतोनियल को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब अभी महीना भर पहले ही। इस ऑपरेशन में अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने भी मदद की, तब जाकर लोकेट हो पाया। जब वो पकड़ा गया तब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा यह ऐतिहासिक है, इस गिरफ्तारी की तुलना सिर्फ ऑपरेशन पाब्लो एस्कोबार से की जा सकती है। अब सवाल वो जिस पर दुनियादारी की धुरी टिकी है, जैसे ग्लोब घूमता है ना धुरी पर। आज हम ओतोनियल की कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल अमरीका ने ओतोनियल को अपने यहाँ लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोलंबिया सरकार के पास अर्जी दाखिल की है। प्रत्यर्पण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मंजूरी मिल गई तो अमेरिका जाएगा। ओतोनियल अमेरिका में उस पर सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी करने, पुलिस वालों की हत्या करने और बच्चों को अपने अपराध में शामिल करने का आरोप है। फिलहाल कहाँ है ओतोनियल? वो फिलहाल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के एक मिलिट्री बेस पर है। उसे किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं है। कई लोग मांग कर रहे हैं कि ओतोनियल को अमरीका क्यों भेज रहे हो, कोलंबिया में भी पर्याप्त कांड किए हैं, यही मुकदमा चले। इसमें से कई समर्थक भी हैं, उन्हें लगता है यहाँ रहेगा तो गुंजाइश बनी रहेगी। क्या क्या है मामले उस पर? हत्या, बलात्कार, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और जमीन हथियाने का आरोप। ओतोनियल जिन किसान परिवारों के घर में रुकता था वहाँ इल्ज़ाम है कि वो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार भी करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके ऊपर कम से कम 500 बच्चियों और महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। फिलहाल ये नहीं पता कि ओतोनियल को उसके गुनाहों की उचित सज़ा मिलेगी या नहीं, पर इतना ज़रूर है कि वो अब कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। क्या ओतोनियल का अंत कोलंबिया में ड्रग्स के कारोबार को बंद कर देगा? ये कहना दिवास्वप्न जैसा होगा। ओतोनियल के चैप्टर को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन सफ़र अभी हमारा जारी है। अमेरिका चलते हैं अब। अमेरिका में नवंबर के चौथे गुरुवार को एक खास त्यौहार मनाया जाता है, थैंक्स गिविंग। इस दिन लोग दूर दूर से यात्रा कर अपने परिजनों से मिलने आते हैं, बढ़िया किस्म का भोज करते हैं, जुलूस उलूस भी निकलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कुल जमा बात यह कि थैंक्स गिविंग में हंसी खुशी का माहौल। इस जश्न की वजह एक मिथ्या धारणा। जानकार बताते हैं कि अधिकतर अमरीकी जनता में भ्रामक जानकारी फैलाई गई। स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें सिक्के के दूसरे पहलू को छिपा लिया गया। क्या है प्रचलित धारणा थैंक्स गिविंग को लेकर? 1620 के साल में यूरोप से 38 गोरे पिलग्रिम्स अमरीका आए। जब उनका जहाज तट पर लगा तो स्थानीय लोग खुश हुए, मेहमानों का स्वागत किया, सम्मान में भोज किया, नई जमीन पर रहने के गुर दिए और फिर गायब हो गए।
दावा किया जाता है कि स्थानीय लोगों ने अमेरिका को गोरे लोगों के हवाले कर दिया ताकि वो इस जमीन को सभ्य, स्वतंत्र, उदार और ईसाई धर्म के प्रति वफादार बना सके। मतलब ये कि स्थानीय लोगों ने खुद को यूरोप के चरणों में बिछा दिया। उसी के उपलक्ष्य में थैंक्सगिविंग की शुरुआत हुई। ये तो हुआ एक पहलू। अब दूसरा पहलू, दरअसल 1614 में अंग्रेजों ने वेम्पेनोए कबीले के कुछ लोगों को बहकाया, अपने साथ स्पेन ले गए। दरअसल अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाकर बेचना चाहते थे, लेकिन वो लोग बचकर वापस लौटे। तब तक कबीले के दो तिहाई लोग मारे जा चुके थे, कभी आबाद रहे गांव मरघट बन चुके थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर। ये बीमारी अंग्रेज अपने साथ लाए थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने जमीन कब्जाने के लिए मूल निवासियों को भी बेरहमी से मारा था। अंग्रेजों को ठंड से बचने और उस जगह पर फसल उपजाने का आइडिया तब स्थानीय लोगों से मिला। जब पहली फसल हुई तो उसके उपलक्ष्य में भोज का आयोजन हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मूल निवासियों की जो पीढ़ी गोरे अंग्रेजों के दमन से बच गई, उसके लिए ये आयोजन शोक पर्व की तरह है। इस साल थैंक्सगिविंग के 400 साल पूरे हो गए। मूल निवासियों के लिए ये मौका नरसंहार और संस्कृति पर हमले की दुखद याद लेकर आया है। ये था आज का दुनियादारी। सुर्खियां भी बाकी हैं। पहली सुर्खी साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया। ये अभी तक मिले वेरिएंट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वैज्ञानिकों का दावा, ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को आसानी से भेद सकता है, फैलता भी तेज़ी से है। अब ये देखा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन इस पर कितनी कारगर होगी। इस वेरिएंट को B.1.1.529 का नाम दिया गया है। साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 22 है। आशंका है कि दिसंबर के मध्य तक ये कोरोना की चौथी लहर ला सकता है और इस वेरिएंट की अहम भूमिका होगी। इसके बारे में विस्तार से आपको आज के लल्लन टॉप शो में भी पता चलेगा, क्योंकि भारत को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आखिरी सुर्खी सोलोमन आइलैंड से है। कल हमने आपको विस्तार से बताया था इसके बारे में। सोलोमन आइलैंड्स में हिंसा और आगजनी का दौर तीसरे दिन भी जारी है। 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद सरकार ने 36 घंटे का लॉकडाउन लगाया, पर असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मनासी सोगोवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये चीन के टट्टू हैं ये महाशय। सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को घर में रहने के लिए कह रही है, ये भी कि राशन और बाकी बुनियादी जरूरत वाला सामान जमा कर लें। हिंसा कब तक चलेगी पता नहीं। सरकार की मांग पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शांति रक्षक सेना सोलोमन आइलैंड्स में भेजी, लेकिन उससे अभी फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। 2019 में सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने ताइवान के बजाय चीन को मान्यता दी थी। मलेटा प्रांत ने इसका विरोध किया था। मलेटा आज भी ताइवान के साथ रिश्ते बरकरार रखे है, इसी पर गतिरोध है। आप कल का दुनियादारी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, आगरा वाला न्योता याद रखना और सब लोगों को बता भी देना, आगरा कॉलेज ग्राउंड में मिलेंगे इतवार के दिन दोपहर के बाद से देर शाम तक। चलते हैं, शुभ रात्रि।